दोस्तों आज मैं आपके सामने एक इन्वर्टर आधा हाफ किलो 500 वाट का एक जो इन्वर्टर होता है उसको खोल करके उसके अंदर की वायरिंग कितनी निकलती है और उसका जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर से कितना निकलता है, कॉपर निकलता है या एल्युमिनियम, वो कलैया में जाता है और जो वायरिंग निकलेगी वो अपनी आर्मेचर में जाएगी। तो मैं आज एक पुराना मैंने एक इन्वर्टर लिया है उसको मैं खोलूँगा पूरे को और उसमें निकालूँगा आपको क्या निकलता है एक इन्वर्टर के अंदर। तो वीडियो पूरी देखिएगा। मैं आपका दोस्त रिजवान सेफी, मैं इन्वर्टर की इसकी आज पूरी की पूरी खोल करके निकालता हूँ क्या एवरेज निकलता है इसके अंदर से, कितना वायर निकलेगा और कितना इस ट्रांसफार्मर के अंदर से एल्युमिनियम या कॉपर जो भी होता है वो निकलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं इन्वर्टर के साथ। तो मैंने इसे खोलने के लिए कुछ औजार लिए, छेनी, पेचकस, एक कटर प्लस एक हथौड़ी। तो मैं इसे खोलता हूँ और फटाफट इसको जल्दी जल्दी खोलते हैं हम और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या निकलता है। ये हमारे पास बॉडी निकली है लोहे की, ये ट्रांसफार्मर है इसका हम अलग वजन करेंगे और ये इतनी सी वायरिंग निकली है सिर्फ इन्वर्टर की, अंदर सिर्फ ये वायरिंग निकली है। तो मैं ट्रांसफार्मर खोलता हूँ, पहले वायरिंग का ये हम अलग कर लेते हैं, इसके अंदर से भी हमारे पास ये एल्युमिनियम का ये कुछ पार्ट्स निकलेंगे, इनको भी खोल लेते हैं। ये सोल्डिंग हुए हुए हैं, ये ऐसे नहीं खुलेंगे, इनको तोड़ना ही पड़ेगा फिर हमें, या आप इसको ऐसे के ऐसे ही प्लेट में भी दे सकते हैं। जो लोग प्लेट्स वगैरह परचेज करते हैं वो प्लेट को ऐसे की ऐसे ही आपको ले लेंगे। तो मैं इसका वजन करता हूँ कांटा मंगा करके और उसके बाद हम निकालेंगे इसके अंदर है क्या। अब ये देखिए, अब मैं आपको चीज समझाता हूँ, इसको हम पता कैसे करेंगे ये है क्या, कॉपर है या एल्युमिनियम है। ये देखिए, अब मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, बहुत ये वाइट पन आया है इसके अंदर, ये एल्युमिनियम में है, ये एल्युमिनियम का ट्रांसफार्मर है। हम इसको ऐसे के ऐसे भी सेल कर सकते हैं मार्केट में पीस के हिसाब से, ये ऐसे ही चला जाएगा। अब हमारी वायरिंग बची है, ये दो आइटम हमारे ऐसे चले गए, बॉडी हमारी लोहे में चली गई, अब बची वायरिंग। वायरिंग के अंदर मैं बताता हूँ, इसमें 0.2 का भी वायर है, 0.3 का भी वायर है और कुछ मोटी लीड भी है इसमें। तो हम कनेक्टर को हम ऐसे काट दिए हैं, हमने ऐसे कर दिया है और हम इसको एक वायरिंग की सेफ बना लेते हैं इस तरीके से करके। मैं इसमें वायर तोलता हूँ अपना, कितना वजन आएगा अब मैं इसको वेट कर रहा हूँ टोटल। टोटल वायरिंग जो है ये 250 ग्राम वायरिंग निकली है इसके अंदर, टोटल वायरिंग जो निकली ये वाली। अब इसकी अगर मैं रिकवरी की बात करूँ तो दो इसमें मैन लीड है जो बहुत अच्छी कॉपर रिकवरी होती है, लगभग 80% के आसपास इसमें कॉपर रिकवरिंग है। अब ये वाला जो हम मानते हैं ये वाली लीड, इसके अंदर मुश्किल से 10% की रिकवरी है क्योंकि इसमें सॉकेट ही
वायर के बराबर का वजन रखता है। अब ये जो और वायरिंग देख रहे हैं आप इस तरह की, ये बारीक वाली वायरिंग, इसके अंदर भी ज़्यादा वायरिंग नहीं होती, ये भी मुश्किल से 10-15% के आसपास का इसमें माल होता है, क्योंकि इसके अंदर ये इंडिकेटर वगैरह जलाने के लिए यूज़ में आती है। तो इस 250 ग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे हाथ में कॉपर लगेगा वो मुश्किल से 100 ग्राम लगेगा बस, क्योंकि भारीपन जो 2 लीड हैं इसके अंदर ज़्यादा वेट है, इसलिए इसकी वजह से ज़्यादा कॉपर की रिकवरी आ रही है। तो हम 50 से 100 के बीच में लगभग पकड़ सकते हैं कि इसके अंदर कॉपर निकलेगा। अब मैं बात करता हूँ इस ट्रांसफार्मर की, इसके अंदर कितना वजन है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये 6 किलो का वजन आ रहा है इसके अंदर, ये जो 590-900 ग्राम, 5 किलो 900 ग्राम के आसपास इसका वजन आ रहा है, इसका जो अपना वजन है। तो सारा भारीपन इसके अंदर है, और इसके अंदर जितना भी है सारा लोहे का है, एल्युमिनियम में ज़्यादा वेट नहीं है, एल्युमिनियम ज़्यादा 100 ग्राम होगा इसके अंदर, जो कोयल होगी बस, बाकी इसके अंदर सारा का सारा 550 ग्राम के लगभग आप लोहा समझ सकते हैं जो लोहे में ये जाएगा सारा का सारा। बट इसकी जो ये ट्रांसफार्मर है ये अच्छे रेट में बिक जाता है, क्योंकि ये जो लोहा है इसके अंदर ये एक नॉर्मल लोहा नहीं है, इंसुलेटेड लोहा होता है, मैग्नेट फ्लक्चुएशन करता है वोल्टेज को कंट्रोल करने के ये काम आता है, तो ये अलग ही रेट में जाता है। अगर आप अच्छा रहेगा कोशिश तो करें कि इसको आप ऐसे के ऐसे ही सेल करें तो इसके अच्छे रेट मिल जाएंगे लोहे से ज़्यादा। मान के चलिए आज 40 रुपये किलो का लोहे का रेट है, तो लगभग इसका 50 रुपये किलो का आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल लोहा नहीं होता है, ये इंसुलेटेड लोहा होता है। तो ये वाली वायरिंग अब मैं आपको निकलवा के दिखाता हूँ नीचे मशीन पे, अपनी V13 मशीन पे ये काम करेगी वायरिंग, और उसको हम आपको निकाल के दिखाते हैं। चलिए अब ये 0.2 का वायर है ना, अब ये मैं V13 0 मॉडल में निकाल के दिखाऊंगा आपको, ये सारा का सारा वायर हम निकालेंगे। कटिंग हल्की इसलिए करी थी ताकि ये अंदर का माल जो बल होकर होता है ताकि ये कटे ना, अंदर वाला जो माल वो कटे ना। अब वापस हमने कटिंग ली, फिर से हम उसको शुरू करें। अब हमने पूरा डिसमेंटल करा इन्वर्टर, तो अब मैं आपको इसका अलग अलग वेट करके दिखाता हूँ। अब सबसे पहले मैं अगर इसकी मेटल की स्क्रैप की बात करूँ तो एक ये हो गया, प्लेट निकाल देते हैं, प्लेट अलग जाती है, ये आपका लोहे का आइटम सारा निकल गया इसके अंदर, 7 किलो मेटल निकला है लोहा, सिर्फ 7 किलो, एक आधा किलो के इन्वर्टर में, और आधा किलो आपकी प्लेट निकली है इसमें, और 680 ग्राम एल्युमिनियम निकला है, एल्युमिनियम जो ट्रांसफार्मर हमने तोड़ा इसके अंदर से, तो 675 ग्राम का इसके अंदर एल्युमिनियम ये निकला है। अब हम इसमें कॉपर वायरिंग की बात करते हैं अपनी, तो इसके अंदर जो पीवीसी निकली है ये 160 ग्राम निकली है, और जो कॉपर निकला है कॉपर 80 ग्राम निकला है इसके अंदर, टोटल इन्वर्टर के अंदर की जो वायरिंग से कॉपर हाथ आया है 80 ग्राम। तो आप इसको आप अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं, मेटल का रेट आपको पता है, एल्युमिनियम का रेट आपको पता है, ये सारा आइटम आपका ये निकला है, ये इस तरीके का आइटम है। तो आज की वीडियो इन्वर्टर पर, तो आप अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं देख करके, मेटल का हर चीज का हमने आपको आइडिया दे दिया।
आप इन सब चीज़ों के अलग अलग रेट निकाल सकते हैं और एक इन्वर्टर की कॉस्टिंग निकाल सकते हैं कि एक पुराना इन्वर्टर परचेज हमें कितने में करना चाहिए ताकि हम उसे आगे सेल कर सकें, डिसमेंटल करके या आप इसको ऐसे के ऐसे भी सेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो में कुछ आपके लिए लेकर आता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद।